अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएच वर्ल्ड। तो आज की हमारी रेसिपी है मटन कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मटन कोरमा बनाने के लिए हाफ के जी मटन ले लिया है। तो हमने मसाले में ले लिया है 1 टेबल स्पून हमने लिया है गरम मसाला, 2 टेबल स्पून भर के हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर। और मैंने गरम मसाले में लिए हैं 2 से 3 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और मैंने थोड़े 2 या 3 टुकड़े लिए हैं लकड़ी के दालचीनी की। और मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं बारीक काट के। तो हमने रख दिया है कुकर को हाई फ्लेम पे। अब हम इसमें डालते हैं ऑयल और अब हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज जो कि काट के रखे थे। और ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे प्याज भी फ्राई हो चुके हैं, हमने इनको बाहर निकाल लिया है। और अब हम उसी ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये प्याज का एक टुकड़ा कहीं रह गया है, चलिए। और अब हम इसमें डाल देंगे मटन। हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है। तो अब हमारा मटन अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर जो कि हमने 2 चम्मच निकाल के रखा था। फिर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, हमने जो 1/2 चम्मच निकाल के रखा था गरम मसाला डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे हमारी कोरमे का कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। खड़े गरम मसाले डाल देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, जितना कि आप खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। साथ ही इसमें जाएगा 1 ढक्कन क्यूरा वाटर। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी डाल के प्रेशर लगा देंगे 4 से 5 सीटी आने तक। तो हमने प्रेशर लगा दिया है, अब आने देते हैं 4 से 5 सीटी। तब तक के लिए जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था, ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था अब हम इसको डाल लेंगे मिक्सर में। उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच दही, इतना कि प्याज अच्छे से पिस जाए। और अब हम इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, अब इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब हम इन्हें भून लेंगे। अब हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो हमने जो दही और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए कैसे इसका ऑयल अलग हो रहा है। तो तैयार हो गया है हमारा कोरमा। अब हम फ्लेम को स्लो करेंगे। और हमने थोड़ी अदरक जो है बारीक चॉप करके रखी थी और 3 से 4 हरी मिर्ची जो मैंने बीस थोड़ा सा कट कर लिया है इसमें डाल देंगे। अदरक से इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब लास्ट में डालेंगे थोड़ा हरा धनिया। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो तैयार हो गया है हमारा मटन कोरमा। तो तैयार है हमारा जबरदस्त मटन कोरमा, आप भी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है।